थारा वर्रा के अंतर्गत रहने वाला देवा सरदार, जिसका असली नाम देवा कटेरिया है, जो कि सरदार बनकर बड़े बड़े घर के लोगों को लड़कियां उपलब्ध कराता है, डांसर के नाम पर लड़कियां उपलब्ध कराकर उनकी असली वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर उन्हें जिस्म फरोशी का धंधा करवाता है। आपको बता दें कि बिठूर के जीवी एक फार्म हाउस में महिला डांसर से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में जरौली की महिला, जो कि पति से अलग होकर अपने 2.5 साल के बेटे के साथ रहती थी, जिसने का आरोप है कि मर्दनपुर निवासी देवा सरदार ने उसे डांसर के नाम पर बिठूर के एक फार्म हाउस में बुलाकर उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में बर्रा थाने में 11 लोगों पर FIR लिखी गई और पुलिस की भी तफ्तीश लगातार जारी है। हालांकि इनका सरगना मर्दनपुर निवासी देवा सरदार और देवा कटेरिया है, जो अपनी पत्नी को छोटे भाई के भरोसे छोड़ लड़कियां उपलब्ध कराकर सबके शौक पूरा करता है। कानपुर से अनवर अशरफ की विशेष रिपोर्ट। पूरा घटनाक्रम क्या है? एक्चुअली मेरे को बताया गया था कि वंदना का प्रोग्राम है, मुझे लगा वंदना मतलब झाड़ी होती है, तो मैं चली गई उनके साथ। मैंने कहा ठीक है जो चल ले लो, तो उन्होंने ले लिया प्रोग्राम। ले जाने के बाद वो मेरे घर पे आए, मैं रात की भी सोई हुई थी और दिन में भी सोई नहीं थी, तो मैं वैन में सो गई थी। उसके बाद ये लेके गए प्रोग्राम में, तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि रूम शो है। रूम शो करने के बाद इन्होंने कहा शॉर्ट कपड़े पहनो, मैंने कहा मैं शॉर्ट कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं वेस्टर्न पहनूंगी, तो मैंने फुल कपड़े पहन लिए। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं शॉर्ट पहनो, मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगी, तो इन्होंने मतलब मुझे गाली वाली दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 10 गाने मतलब डांस कराया। डांस करने के बाद इन्होंने कहा चलो ठीक है, एक आदमी आया, आदमी के बाद उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में मिला के मुझे पिला दिया। मैंने मना किया मैं नहीं पीती, तो उन्होंने कहा नहीं पियो। जबरदस्त अपने हाथ से पिलाने में मुझे चक्कर चाहिए, मैं जाके रूम में लेट गई। एक घंटा दो घंटा आराम किया। उसके मैंने चाचा से कहा चाचा अंदर मत आने देना किसी को, तो उन्होंने किसी को मतलब अंदर आने नहीं दिया। बाद में एक आदमी आया जिसकी मतलब हल्की सी कान की सुनाई दी कि उनकी चप्पल आवाज़ बाहर गई है, और एक आदमी आया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने वीडियो वायरल मतलब वीडियो बनाई। वीडियो बना के बाद उन्होंने वायरल करवाई सबकी जगह। ये वादा कब की है? 6 फरवरी बिठूर। जिनका आप नाम बता रही हैं उनका नाम क्या है और उनकी पहचान कैसे है? देव सरदार नाम उनका, ऑर्केस्ट्रा मतलब चलाते हैं, ऑर्केस्ट्रा जागरण वगैरह सब करते हैं। आप पुलिस प्रशासन के पास गई हैं? जी, मैं पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी सब जगह है ना, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कम से कम मतलब 10-15 तो मैंने एप्लीकेशन ही दे दी होगी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बर्रा थाने गई थी? जी गई थी, बर्रा थाना सबसे पहले गई थी। वहाँ पर पुलिस ने आपसे क्या कहा? वहाँ पे इन्होंने कहा ठीक है चुनाव हो जाए तो उसके बाद कार्रवाई करते हैं। तो फिर एक बार और मिले तो उन्होंने बुलाया मुझे कि आओ, तो एप्लीकेशन एक और देखे जाते, मैं देने गई। तो उन्होंने कहा ऐसा है जब तुम्हारे पास मतलब टाइम हुआ करो तो तुम मेरे मतलब तुम्हें गुजानी में मैं रहता हूँ साढ़े टोपे नगर में, वहाँ पर मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तो तुम आ जाकर मैं जब छुट्टी हो करके तुम मेरे घर में आके झाड़ू पोछा कर दिया करना। तो मैंने कहा सर मैं किसी लड़के को लड़की को भेज दिया करूँ, तो उन्होंने कहा नहीं तुम ही आना क्या कहते काम करने के लिए। ये किसने बोला है? ये आलोक तिवारी दरोगा जी। आलोक तिवारी दरोगा है, उन्होंने ये बात बोली जी। अच्छा अभी उसके बाद आप अभी कहाँ पर हैं? अभी SP साउथ। क्या ये आपसे मिली है या कोई आपसे इनसे बात हुई है? सर जी से मिली लेकिन मैम से नहीं मिली है। अगर प्रशासन सुनवाई नहीं करता तो आगे क्या करेंगे? क्या करूँगी यार, मध्य कर लूँगा क्या कर लूँगी, मान के चले मेरे एक ही लड़का, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अब मैं कमाने वाली हूँ अकेले, कोई नहीं है मेरे, न माँ ना बाप ना भाई ना बहन, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अगर मेरी कार्रवाई नहीं सुनी जाती तो फिर अब आगे आती।